चले तरह मारा।
तेरा बाप, अगर तेरा बाप यहां आएगा तो अपने बाप से कह देना पायदार हमें हीरो होने वाली नहीं देगा, कोई ध्यान नहीं, तेरा गुजारा नहीं है गुजारा।
आम जानी को 50 मीटर लगा चलिए 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 ठीक है भैया तुम भी मार तुझे संसार की जा रही है इस समय तुम्हें मंदिर जा रही ठीक है पूजा करने के लिए और मंदिर लौटने से पहले अगर इस घर में खाना नहीं तैयार हुआ ना तो जो ये तेरी गोली गोली चमड़िया है हराम जादी इसे मैं फरोख Thank you.
साथ मेरी तुम थी तुम न पाए। मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, तो सुनो तो पास भैया क्यों नहीं पास? मेरे पास भैया पास भैया क्यों नहीं जाते? हमें मालूम है और मां सताती है तुम्हें, ये हमें मालूम है। हर सच्ची बात में पड़ता कोई मैं तुम्हें से छुपाई। ये बात तुम्हारे भैया मेरे पास कहते नहीं, बराबर आते हैं, बराबर आते हैं जी। और मां मुझे कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती जी। किंतु भाभी आज हमने सभा की कथा सुना और माँ के गाली के अपने तारों की भी सुना। अरे सच्ची बात में पड़ता भाभी लगाओ ये गलत है। लगता है तुम किसी गलत फैमिली में आ गए। गलत फैमिली वाले लगता है तुम्हारे काम किसी ने भाग लिया है। अच्छा अगर गलत फैमिली है तो अभी मैं चलता हूँ भैया और माँ के पास, दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दूंगा। बात को लेकर मुझे खूब मारा। भाभी एक बात कहूँ,
आप पढ़ी लिखे हो, समझदार हो। अभी तो शुरुआत, ये बात इस तरीके से आप मुझे रोक रही है कि भैया के पास मत जाओ, माँ जी के पास मत जाओ, मत पूछो। मैं ये सोचता हूँ कहीं बात कहीं और आगे ना बढ़ जाए। कब तक सहती होगी तुम्हें? लेकिन भैया नारा पे धर्म है, अगर वो अपने ससुराल में जा गई हो चाहे तू पड़े चाहे तू पड़े, वो बात अपने किसी से ना कहे। चलो ठीक है, अच्छा आपने मना कर दिया, मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगा। तुम तैयार हो जाओ और मैं तैयार करती हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ। समझे सैया गए पाल हूँ।